नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जुड़ी ताज़ा अपडेट के साथ। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने सफाई कर्मचारियों के लिए स्पेशल भर्ती निकाल दी है। सफाई कर्मचारी लगने के इच्छुक युवा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर पंजीकृत करें। कहाँ पर पंजीकरण करना है इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, और हर रोज अगर अपडेट चाहिए तो आप कैसे अपडेट चेक कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ना, 17,000 कैंडिडेट वहाँ पे जुड़े हुए हैं। एचकेएल की हर अपडेट उनको मिलती रहती है। तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं। तो दोस्तों, अगर आपको खुद ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम की हर अपडेट चेक करनी है तो आप यहाँ पर हरियाणा कौशल.com साइट पर जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको जैसे ही साइट खोलोगे यहाँ पर एचकेएन डेली अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, एचकेएन डेली अपडेट का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एचकेएन के ऑप्शन पर देख सकते हैं जॉब स्कोर और फ्रेश रजिस्ट्रेशन, सारा काम यहाँ पर कर सकते हैं। डेली अपडेट पे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे, जो ये ऑप्शन है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको डेट वाइज जो है अपडेट मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो डेट वाइज अपडेट डाल रखी है, ये देख सकते हैं, ठीक है, हर डेट की अपडेट यहाँ पे डाली जाती है। अब बात कर लेते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन PN के लिए आप सीधा यहाँ पर जाओगे। अगर आपको सफाई कर्मचारी के लिए रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के अंदर क्लिक करोगे और नीचे जाओगे, यहाँ से फ्रेश रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो ये खुल के आ गया है। यहाँ से होम पे क्लिक कर दोगे और ये आ गया, क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर सफाई कर्मचारी। इस सफाई कर्मचारी पे क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ से प्रोसेस शुरू कर देनी है, ठीक है, अपना कंप्लीट। अगर पहले आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा तो भी अप्लाई कर पाओगे सफाई कर्मचारी के लिए, स्पेशल सफाई कर्मचारी के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश किए हैं। बाकी आपको न्यूज़ भी दिखा देता हूँ पूरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए सोमवार से पोर्टल खुल गया है। इसके अलावा सरकार ने ग्रुप डी के गत मार्च में नियुक्त हुए कर्मचारियों को विभाग आवंटित करने के लिए, जो ग्रुप डी में लगे हैं, ठीक है, जिनका सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए भी पोर्टल खोल दिया गया कल। मगर जो उम्मीदवार ग्रुप डी के बचे हुए पदों का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो रिजल्ट भी जल्द जारी होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी से आग्रह किया गया है कि पहले उनका रिजल्ट भी घोषित कराएं। तो सफाई कर्मचारियों के लिए भाई एचकेएन पोर्टल पर जो है ये मामला शुरू हो गया है, जिसका ग्रुप डी में नहीं हुआ है तो हरियाणा कौशल में आप लग सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करना आपने देख लिया होगा, कहाँ पे किस तरीके से जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किस तरीके से हर रोज़ की अपडेट पा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे हो कमेंट कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना। कमेंट करके ज़रूर बताना जानकारी कैसी रही। वीडियो आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।